हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएमपी स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट ग्राम स्टेनिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ग्राम स्टेनिंग का। एंड ध्यान रखते हैं, ग्राम स्टेनिंग को हम लोग यूज करते हैं टू क्लासिफाई द बैक्टीरिया। बैक्टीरिया क्लासिफाई करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, जैसे कि हम बात करेंगे क्लासिफाई बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ द शेप, उसके बाद में साइज बेसिस पर करते हैं, देन वी क्लासिफाई देम ऑन द बेसिस ऑफ देयर जीनस। आप सीक्वेंसिंग करते हो उस जीनस स्पीशीज के बेसिस पर क्लासिफाई कर सकते हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन होता है, वो होता है उनका ऑन द बेसिस ऑफ द सेल वॉल। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ सेल वॉल वो अलग टाइप के स्टेन्स लेते हैं, दे कैन टेक डिफरेंट डिफरेंट स्टेन्स। एंड ऑन दैट बेसिस ऑफ द ग्राम स्टेनिंग वी क्लासिफाई द बैक्टीरिया एज आइदर ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। तो जो बैक्टीरिया का जो सेल वॉल रहता है उनमें बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज प्रेजेंट रहती है जिसको हम लोग बोलते हैं पेप्टिडोग्लाइकन। ठीक है, सो इफ यू टॉक अबाउट द सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया, इट इज मेड अप ऑफ बेसिकली पेप्टिडोग्लाइकन। ये बना होता है पेप्टिडोग्लाइकन। और अगर हम बात करते हैं अबाउट दिस पेप्टिडोग्लाइकन, तो अगेन ये बना होता है नैग और नैग रेसिड्यू से। दिस इज फर्दर मेड अप ऑफ दिस नैग एंड नैग रेसिड्यू। नैग होता है एन एसिटिल ग्लूकोनिक एसिड, नाम का मतलब होता है एन एसिटिल ग्लूटामिक एसिड। तो नाग और नाम के ऑल्टरनेटिव रेसिड्यूज उनको लिंक करके रखता है हमारा पेंटापेप्टाइड, और उससे बनता है हमारे पेप्टिडोग्लाइकन का लेयर। अब ध्यान रखने की अगर हम बात करते हैं ग्राम स्टेनिंग की, तो ग्राम स्टेनिंग में जिस बैक्टीरिया में रहता है थिक लेयर, इफ वी टॉक अबाउट दिस पेप्टिडोग्लाइकन, अगर इसकी लेयर थिक है तो वो स्टेन करता है पर्पल, या फिर इसको हम कुछ लोग वायलेट भी लिखते हैं, बट वी यूजुअली कॉल देम एज पर्पल बैक्टीरिया, पर्पल कलर के लिखते हैं, पर्पल या वायलेट भी बोला जाता है। जो जिनकी स्केल एंड थिन रहेगी काफी, वो प्राइमरी स्टेन नहीं लेते हैं, वो सेकेंडरी स्टेन लेते हैं, जो होता है पिंक इन कलर। सो लेट्स अंडरस्टैंड द प्रोटोकॉल फर्स्ट कि कैसे परफॉर्म की जाती है, क्या होता है उनका एक्चुअल में। So, बच्चों अगर हम बात करते हैं अबाउट द ग्राम स्टेनिंग, इफ वी टॉक अबाउट द प्रिंसिपल ऑफ स्टेन टेक्निक, तो ध्यान रखना है कि यहाँ पे सबसे पहले हम एक स्फीयर बनाते हैं। क्या होता है स्फीयर? फर्स्ट ऑफ ऑल वी सिलेक्ट अ ग्लास स्लाइड। सबसे पहले हम एक ग्लास स्लाइड सिलेक्ट करते हैं, उसमें हम एक ड्रॉप ऑफ वाटर ऐड करते हैं। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक ग्रीस फ्री साइड स्लाइड लेते हैं, उसके बाद में उसमें हम लोग एक ड्रॉप ऑफ वाटर डालते हैं। We add one drop of water in it। ठीक है, हम यहाँ पे one drop of water को add करते हैं। उसके बाद में इसमें हम लोग एक loop full of bacteria add करते हैं, add one loop full of culture in that one drop of water। उसके बाद में जब आप एक culture full of bacteria को उसमें add करोगे then one drop of water, फिर उसको proper तरीके से एक स्मीयर बनाते हैं। तो उसको इस तरीके से मिक्स 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 भी करते चलेंगे, जिससे हमारा एक वहाँ पे स्मीयर जो है वो बन जाएगा। उसके बाद में उसको हम लोग हीट फिक्स करते हैं। ठीक है, आफ्टर एडिंग वन ड्रॉप ऑफ वाटर, वी एड वन ड्रॉप ऑफ वाटर, फिर इसमें ऐड करते हैं बच्चों एक लूप फुल ऑफ कल्चर। वी टेक लूप फुल ऑफ कल्चर, उसके बाद में परफॉर्म करते हैं हीट फिक्स, देन वी परफॉर्म द सबसे पहले हम ऐड करते हैं इसमें हमारा प्राइमरी स्टेन जो होता है क्रिस्टल वाइट। अब जो स्टेन होता है क्रिस्टल वाइट, ये हमारे सारे बैक्टीरिया में एंटर करेगा, चाहे ग्राम पॉजिटिव हो चाहे ग्राम नेगेटिव हो, सब में एंटर करता है हमारा ये क्रिस्टल वाइट, दैट इज अ प्राइमरी स्टेन। उसको हम ऐड करते हैं और लगभग उसको हम लोग 60 सेकेंड्स तक रख देंगे। उसके बाद में क्या किया जाता है, तो व्हेन वी ऐड द क्रिस्टल वाइट फॉर 60 सेकेंड्स, उसके बाद में हम ऐड करते हैं हमारा एक और स्टेन जो होता है आयोडीन। इसी को हम बोलते हैं ग्राम्स आयोडीन। This iodine is also called as grams. इसको हम grams iodine भी बोलते हैं। ये हमारा एक powder होता है और इस iodine को use किया जाता है to fix the dye। तो
डाय यूज किया था क्रिस्टल वायलेट, उसके बाद में उसने ऐड किया है ग्राम सायुन, तो क्या हो जाएगा इससे, क्रिस्टल वायलेट वहां पे ऑलरेडी था जो बैक्टीरिया के सेल वॉल से अंदर आ चुका था, फिर एंटर हो गया था हमारा ग्राम आयोडीन। होता यह है बच्चों कि इसके बाद बनता है आपका सीवी आयोडीन। सीवी का मतलब होता है क्रिस्टल वायलेट आयोडीन कॉम्प्लेक्स। यहाँ होता है फॉर्मेशन ऑफ सीवी आई कॉम्प्लेक्स, दैट मींस द क्रिस्टल वायलेट आयोडीन कॉम्प्लेक्स बनता है, ठीक है, सीवी कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। उसके बाद में हम ऐड करते हैं इसमें डीकलराइजिंग एजेंट, sometimes we use alcohol, sometimes we use acetone, अलग अलग decolorizers use कर सकते हैं। when we use this decolorizer तो उसके बाद क्या हो जाएगा, नाम ही decolorizer तो वो कलर को रिमूव कर देगा। अब होता ही है ना कि जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया रहते हैं they have a very thick layer of peptidoglycan, as I have told you that इनके पास में काफी thick layer होती है peptidoglycan की, है आपके ग्राम पॉजिटिव, और जो थिन है वो कौन से हैं, तो ये होते हैं हमारे ग्राम नेगेटिव, देयर एक्चुअली ग्राम नेगेटिव, ठीक है, थिन है ग्राम नेगेटिव, थिक है ग्राम पॉजिटिव। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे है हमारा बना ही क्रिस्टल वायलेट आयोडीन कॉम्प्लेक्स बना है, फिर आपने इसमें ऐड किया है अल्कोहल। अब जहां पे रहती है थिक लेयर वहां से हमारा सीवीआई कॉम्प्लेक्स बाहर नहीं निकल पाता, अब क्या होगा, अब इसमें ऐड करते हैं हमारे काउंटर स्टेन जो होता है सैफ्रन, विच एक्चुअली गिव्स सम पिंक और रेड कलर, ठीक है। अब हम ऐड करते हैं बच्चों इसमें काउंटर स्टेन, और जो काउंटर स्टेन रहता है सैफ्रन जो यूज करते हैं इसका अप्रोक्सीमेटली पिंकिश रेडिश कलर जो है वो कुछ रहता है। सो दिस सैफ्रन मॉलिक्यूल जो रहेगा अभी हमारा सैफ्रन डाई जो रहेगा बैक्टीरिया लेने की कोशिश करेगा, बट जो ग्राम पॉजिटिव है उनके पास ऑलरेडी सीवीआर प्रेजेंट, तो वहां पे सैफ्रन एंटर नहीं कर पाएगा, वहां पे सबको जगह भी नहीं मिलेगी। बट अगर हम वही बात करते हैं ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिज्म की, तो उनमें पाया जाता है कि उनमें हमारा ये काउंटर स्टेन जो है वो एब्जॉर्ब होता, ग्राम नेगेटिव में हमारा काउंटर स्टेन जो है ये एब्जॉर्ब होगा, एंड दैट इज व्हाई दे टेक द सैफ्रन स्टेन एंड दे विल अपीयर पिंक इन कलर। बैक्टीरिया एक्चुअली पूरा पिंक ही होता है क्योंकि सेल वॉल पे स्टेन लेते हैं, ठीक है, बैक्टीरिया पूरा पिंक ही होता है, ये सिर्फ सेल वॉल जो रहते हैं उनके वो स्टेन, ठीक है। सो इस तरीके से फॉर्म किया जाता है ग्राम स्टेन, गिवन बाय क्रिश्चियन ग्राम, एक साइंटिस्ट है हमारे, उन्होंने कोई मेथड बताया था, एंड वी कैन डू दिस टेस्ट। ध्यान रखना है बच्चों कि जब भी हमको परफॉर्म करना होता है बैक्टीरिया का टेस्ट, व्हेन वी हैव टू परफॉर्म द आइडेंटिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया, मेरे पास में सॉइल बैक्टीरिया है, मेरे पास कोई पैथोजन प्रेजेंट है, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है टू आइडेंटिफाई द बैक्टीरिया। इवन इन योर कॉलेजेस आप परफॉर्म करते हो, इवन प्रैक्टिकल हर बच्चा परफॉर्म करता है माइक्रोबायोलॉजी का, एवरी प्रैक्टिकल दे हैव इन एवरी आइडेंटिफिकेशन एवरी स्टडी ऑफ बैक्टीरिया दे हैव टू परफॉर्म दिस, बिकॉज बैक्टीरिया को पहचानने के लिए तीन इंपॉर्टेंट टेस्ट करते हो, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स, एंड वी परफॉर्म द बायोकेमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। तो जब हम परफॉर्म करते हैं मॉर्फोलॉजिकल, तो फिर उसमें हम ये चेक करते हैं, मोटिलिटी चेक करेंगे, शेप चेक करते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव चेक करते हैं, तो ये सारी बातें उसमें चेक की होती है। लाइक वी यूज द माइक्रोस्कोप हियर, आप टेनेक्स यूज कर सकते हो, बट टू सी द क्लियर स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया आपको अगर एंडोस्पोर एंड ऑल सब भी देखना है, तो उसके लिए 100x यूज करते हैं, ऑयल ड्रॉप परफॉर्म करके हम लोग देखा जाएगा उसके। सो वी कैन विजुअलाइज द रिजल्ट्स ऑफ ग्राम स्टेनिंग कि वे पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, क्या शेप है बैक्टीरिया का, तो वो सारी चीजें हम लोग फिर 100x पे ऑब्जर्व आराम से कर सकते हैं। सो इस तरीके से परफॉर्म किया जाता है हमारा ये ग्राम स्टेनिंग। अब अगर हम बात करते हैं बच्चों सेल वॉल के कॉम्पोजिट, तो आपको जैसे मैंने बताया है ऑलरेडी कि अगर हम बात करते हैं हमारे ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, तो दे हैव अ वेरी थिक लेयर, इनके पास में काफी थिक लेयर होती है पेप्टोग्लाइकन की, और अगर हम बात करते हैं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, तो दे हैव अ वेरी थिन लेयर ऑफ पेप्टोग्लाइकन, उनके पास में बहुत ही थिन लेयर होती है पेप्टोग्लाइकन की। बट इसका ये मतलब नहीं कि ग्राम नेगेटिव के सेल वॉल काफी वीक है या कुछ नहीं, उनके पास में अलग से लेयर होती है, उसको हम लोग बोलते हैं LPS, दैट मींस लाइपोपॉलीसेकेराइड, दे हैव अ डिफरेंट लेयर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया आउटसाइड द पेप्टोग्लाइकन, दे हैव
मेरिस्टियल लेयर कॉल्ड एज द लाइपोपॉलीसेकेराइड। नाम समझ में आ रहा है, इसमें लिपिड्स प्रेजेंट रहेंगे, पॉलीसेकेराइड्स प्रेजेंट रहेंगे, प्रोटीन प्रोटीन्स प्रेजेंट रहेंगे, तो ये सारी चीजें अलग अलग जो है वो प्रेजेंट रहती। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं स्नैक और नैप रेसिड्यू की, तो अगर हम बात करते हैं बच्चों, अगर हम बात करते हैं अबाउट दीज डिफरेंट बैक्टीरिया, अगर हम बात करते हैं अबाउट दिस डिफरेंट बैक्टीरिया, उनके सेल वॉल में प्रेजेंट रहते हैं इस तरीके से, ऑल्टरनेटिव होता है नाक नाम नाक नाम, इस तरीके से ऑल्टरनेटिव भी प्रेजेंट रहता है। और हर नाम के ऊपर में ऐसे पांच अमाइनो एसिड्स जो है वो प्रेजेंट रहते हैं, हर नाम के ऊपर में इस तरीके से ये पांच अमाइनो एसिड्स जो है ये अटैच रहते हैं, जिसको हम बोलते हैं पेंटापेप्टाइड। ठीक है, दैट इज एक्चुअली कॉल्ड एज द पेंटा पेप्टाइड। अब एक एंजाइम होता है, नाम होता है ट्रांसपेप्टाइडेज, एक एंजाइम होता है जिसका नाम होता है ट्रांसपेप्टाइडेज। जो ये एंजाइम होता है ट्रांसपेप्टाइडेज, वो काम होता है टू रिमूव द टर्मिनल अमाइनो एसिड, वो यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे आके वो लास्ट अमाइनो एसिड को रिमूव कर देते हैं, व्हेन दे रिमूव द लास्ट अमाइनो एसिड, उसके बाद में बचते कितने वहां पे, तो पेंटापेप्टाइड तो इनिशियली वहां पे 5 अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट है, तो वहां पे आता है हमारा एंजाइम और वहां से दोनों जगह से वो यहां से भी एक अमाइनो हटा देगा और यहां से एक अमाइनो एसिड हटा देगा, तो अल्टीमेटली हमें बचते हैं बच्चों 4 अमाइनो एसिड बन जाए। फिर हमारा जो एंजाइम रहता है वो इन दोनों बीच में एक बॉन्ड बनाता है, वो इसको फिर वो क्रॉस लिंकिंग कराता है, वो इस तरीके से फिर क्रॉस लिंकिंग जो रहेगा उसको वो परफॉर्म करेगा। ठीक है, सो इन दिस वे द क्रॉस लिंकिंग इज परफॉर्म, इन दिस वे क्रॉस लिंकिंग इज परफॉर्म। ये तो ऑलरेडी हमारे लिंक है, ठीक है, ये जो रहते हैं नाग नाम नाग नाम नाग नाम, उनके बीच में ऑलरेडी बॉन्ड जो है वो प्रेजेंट रहते हैं, बट जब काम करता है हमारा एंजाइम ट्रांसपेप्टाइडेज, इनका काम होता है टू परफॉर्म द क्रॉस लिंकिंग, इनका काम होता है टू परफॉर्म द क्रॉस लिंकिंग ऑफ नाग एंड नाम, जो भी इनके नाग नाम के जो रेसिड्यूज रहते हैं उनको लिंक कराने का, नाग नाम के जो भी लीनियर चेन्स रहते हैं उन लीनियर चेन्स को क्रॉस लिंक करवाता है हमारा एंजाइम ट्रांसपेप्टाइडेज। एक और चीज, अगर हम बात करते हैं अबाउट द एंटीबायोटिक्स सच एज बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स, अगर हम बात करते हैं अबाउट द बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स जैसे कि है पेनिसिलिन है अमोक्सिसिलिन है, तो ये बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स क्या करते हैं, दे इनहिबिट द एंजाइम ट्रांसपेप्टाइडेज, वो इनहिबिट करते हैं हमारे एंजाइम ट्रांसपेप्टाइडेज को। अगर ट्रांसपेप्टाइडेज इनहिबिट हो गया तो क्या हो जाएगा, तो उस केस में बच्चों क्रॉस लिंकिंग नहीं हो पाती है। अगर क्रॉस लिंकिंग नहीं हो पाएगी तो क्या हो जाएगा, इफ सपोज देयर इज नो क्रॉस लिंकिंग दैट इज व्हाट विल हैपन, इफ देयर इज नो क्रॉस लिंकिंग दैट मींस व्हाट, इफ दिस इज इनहिबिटेड इट्स नॉट वर्किंग दैट मींस व्हाट, इससे क्या हो जाएगा, दिस विल लीड टू दैट देयर विल बी अ वेरी लूजली अरेंज्ड सेल वॉल, इफ देयर इज नो क्रॉस लिंकिंग दैट मींस व्हाट, दैट विल लीड टू सिंथेसिस ऑफ लूजली अरेंज्ड सेल वॉल। और अगर हमारा सेल वॉल काफी लूजली अरेंज रहेगा बच्चों तो क्या हो जाएगा, इससे होता है ऑस्मोटिक बर्स्ट, इससे होता है ऑस्मोटिक बर्स्ट एंड दिस लीड्स टू द डेथ ऑफ बैक्टीरिया, इससे होता है ऑस्मोटिक बर्स्ट एंड दिस लीड्स टू द डेथ ऑफ बैक्टीरिया। तो ये प्रोसेस जो है वो आपके बैक्टीरिया के सेल वॉल में देखा जाता है। अब हम देख सकते हैं एक और चीज की, ये जो लेयर है प्रोटोप्लाज्म की लेयर, ये मोटी ज्यादा किसमें है, तो ग्राम पॉजिटिव में है, तो उनको बहुत फर्क पड़ेगा अगर पेप्टोलाइकन का प्रॉपर लेयर नहीं बना तो, है ना, उनको बहुत फर्क पड़ेगा इस चीज से कि अगर वो लेयर ठीक से नहीं बनी तो। बट वहीं अगर हम बात करते हैं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, उनको तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे लेयर थिक हो चाहे थिन हो, रिजिड हो स्ट्रॉन्ग हो नेगेटिव हो, तो भी इनके पास इतनी सी लेयर है, अगर ये लेयर बने या ना बने दे हैव अ एलपीएस लेयर जिसको प्रोटेक्शन मिल रहा है प्रॉपर तरीके से। इसलिए हम बोलते हैं कि द ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया दे आर रेजिस्टेंट टू पेनिसिलिन, व्हाई, बिकॉज़ उनके पास में लेयर ही नहीं है, जिसको पेनिसिलिन आके स्टॉप करता था वो चाहे स्टॉप रहे ना रहे, वो ना हो उससे ग्राम नेगेटिव को कोई फर्क नहीं पड़ता है,
इसलिए हम बोलते हैं कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया दे आर रेजिस्टेंट टू पेनिसिलिन। इसके अलावा आपने एक और सुना होगा बच्चों कि हम बोलते हैं, इसके अलावा हम लोग एक और चीज बोलते हैं कि जो हमारे होते हैं माइकोप्लाज्मा, अगर हम बात करते हैं अबाउट माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा नथिंग बट दे आर सेल वॉलेस बैक्टीरिया। ये क्या होते हैं? तो ये होते हैं सेल वॉल लेस बैक्टीरिया। अगर इनके पास में सेल वॉल ही नहीं है तो क्या हो जाएगा? सेल वॉल ही नहीं है तो क्या हो जाएगा भाई? सेल वॉल बन ही नहीं रहा, तो चाहे एंटीबायोटिक आए ना आए, प्रोसीजिंग होना हमको कोई फर्क उससे नहीं पड़ता। ठीक है, सो दिस इज हाउ द स्टेनिंग ऑकर्स। वी आर क्रिस्टल वायलेट फॉर 60 सेकंड्स, देन वी आर ग्राम थर्मल 60 सेकंड्स। जो पॉजिटिव रहेगा उनके अंदर में सीवीआर कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, नेगेटिव के अंदर में सीवीआर कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा, वो अपने तरीके से उतना एम्बेड हुए नहीं रह पाएंगे। व्हेन वी परफॉर्म द डीकलराइजेशन बाय यूजिंग इथाइल अल्कोहल और एसीटोन और समथिंग, तो क्या हो जाएगा? नेगेटिव अपना स्ट्रेन इजीली रिलीज कर देंगे, पॉजिटिव वाला स्ट्रेन को इजीली रिलीज नहीं करेंगे। सो व्हेन वी विल ऐड द काउंटर स्ट्रेन दैट द साफ रिमेंस, सिर्फ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया स्ट्रेन को एब्जॉर्ब कर पाएंगे, पॉजिटिव स्ट्रेन को नहीं पाएंगे, बिकॉज़ ऑलरेडी हैव द क्रिस्टल वायलेट एंटी कॉम्प्लेक्स। तो इस तरीके से परफॉर्म की जाती है बच्चों क्रिस्टल, सॉरी, इस तरीके से परफॉर्म की जाती है ग्राम स्टेनिंग। दिस टेक्निक इज यूज्ड फॉर द मॉर्फोलॉजिकल स्टडी ऑफ बैक्टीरिया, यूज्ड फॉर द मॉर्फोलॉजिकल स्टडी ऑफ बैक्टीरिया। ठीक है, उसके बाद में इसको हम यूज करते हैं टू परफॉर्म द क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द ग्राम स्टेनिंग, बैक्टीरियल सेल वॉल एंड सम एंटीबायोटिक्स। सो आज हम ये स्टॉप करते हैं, एंड इफ यू हैव एनी डाउट्स इन एनी टॉपिक ऑफ माइक्रोबायोलॉजी और एनी अदर टॉपिक, डू मेंशन इन द कमेंट बॉक्स कि आपको नेक्स्ट वीडियो में किस टॉपिक में चाहिए है। Definitely will be available very soon in the channel. So please do write your comments in the end of this video if you have any more suggestions. Thank you everyone. Have a great day to all and happy life.